में थी, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो उसको लेकर के मैंने कुछ 3 लाइन के ट्वीट बढ़ाए और लिखा कि कभी सुना आपने कि किसी जूनियर ने लिख दिया हो पाकिस्तान का हाथ बीजेपी के साथ? न्यूज रूम में किसकी मजाल है जो एडिटर की इच्छा के विरुद्ध एक शब्द लिखने की पहल करे? FIR करवाएं, ये जूनियर वगैरह की दलील खारिज कीजिए, सीधे संपादक मालिक पर मुकदमा बनता है। ये मैंने जवाब दिया जिसको मैंने आपको पढ़कर सुनाया। दूसरा एक और उदाहरण है, 2 दिन पहले राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर बैठा हुआ था, और दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल है हम जानते हैं, और हम ये मानते हैं कि वहाँ से चाहे प्रधानमंत्री के लिए चाहे नेता प्रतिपक्ष के लिए उनके खिलाफ कोई बातें नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ इस बात को मैं हमेशा डंके की चोट पर कहता रहा हूँ। जैसे बहुत पहले दूरदर्शन में ही एक थंबनेल था कि उस समय मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके साथ में सिद्धू और उसके साथ में और एक व्यक्ति कांग्रेस के 3 नेता का फोटो था, और लिखा हुआ था बापू जी के ये 3 इडियट्स। तो मैंने कहा, मुझे याद आया, राहुल गांधी, सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर, तब संवैधानिक पद पर राहुल गांधी नहीं थे, तो मैंने कहा कि राहुल गांधी को 3 इडियट्स में आपने फोटो दिया, ये मैं बर्दाश्त करता हूँ, ये आप सिद्धू का फोटो लगाए ये भी मैं बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन एक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को 3 इडियट्स कैसे लिख सकते हैं सरकारी दूरदर्शन चैनल पर आप? ये मैंने सवाल उठाया। तो ये चीजें, इसके बाद क्या स्थिति हुई, वो हमें कम बोलने मिला, मेरी आवाज दबा दी गई, वो ज्यादा ऑफेंसिव हुए, ये सारी चीजें, लेकिन सवाल कम से कम हम रखने में कामयाब रहे। लेकिन अपना अपना अनुभव होता है, अपना अपना पक्ष होता है, कई बार नहीं भी रहते हैं कामयाब होने में, कई बार ऐसा होता है कि हमें ही हमारी आवाज कम कर दी जाती है और हमें ही गुनहगार ठहरा दिया जाता है, इस तरह से भी चीजें होती हैं। लेकिन ये फैसला व्यक्तिगत होता है, हम कोई पार्टी से नहीं है, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, लेकिन वो अभी भी आज ही दूरदर्शन के एंकर हैं, संपादक हैं अशोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने ट्वीट किया है और मुझे कांग्रेस समर्थक पत्रकार लिखा है। मैंने उसका मतलब वहां तो नहीं लिख बोल पाए, क्योंकि मैंने हमेशा आपत्ति करता रहता हूं कि ऐसी बात बोलने नहीं दूंगा, मुझे कांग्रेस समर्थक आप तभी लिख सकते हैं जब आप अपने नाम के आगे में संघ समर्थक लिखिए आप, हम भी लिखवाने को तैयार हो जाएंगे। तो वो ना उनकी हिम्मत होती है ना हमारी, लिख पाते हैं, तो वो पत्रकार ना लिखे तो राजनीतिक विश्लेषक लिखना पड़ता है। लेकिन ट्विटर पर तो मैं नहीं रोक सकता, ट्विटर पर वो मुझे कांग्रेस समर्थक पत्रकार बोल करके हमें टैग करके वो उन्होंने डाला है। आज की बात है, शाम की बात है, मैंने भी उनको जवाब दिया है और फिर हमने पूरा जोड़ के डाला। ये स्थितियां बनती हैं, ये ताजा उदाहरण मैंने सामने रखे। लेकिन आप ये समझिए कि न तो ये निर्णय लिया जा सकता है कि 100% उनको छोड़ दो, जो जी में आए चलाओ, और न तो ये निर्णय लिया जा सकता है कि जा करके गाली सुनो। इन दोनों के बीच का एक स्ट्रगल है, और राजनीतिक दल को तो अधिकार है, वो तो जाके न्यूज 18 का ये घेर ले आओ, दफ्तर घेर ले कि कैसे आपने लिखा कांग्रेस का षड्यंत्र, उनको तो प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन एक पत्रकार क्या करेगा, एक पत्रकार को भाई हमने तो नहीं सुना कि जो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के समर्थन में पत्रकार बोलते हैं उनको किसी ने कहा हो कि ये बीजेपी समर्थक पत्रकार है, ये उनको तो वरिष्ठ पत्रकार बोल के उनकी मान सम्मान किया जाता है, और हम जैसे लोगों को कई बार राजनीतिक विश्लेषक लिख देते हैं, पत्रकार लिखने में भी उनको संकोच होता है। तो ये एक भेदभावपूर्ण व्यवहार जो है सत्ता के पक्ष और विपक्ष का, वो दिखता है। इसके बावजूद मैं जाता रहा हूं, मैंने कोई बायकॉट नहीं किया है, अपना सिलेक्शन किसी दिन मूड किया किसी दिन नहीं किया, वो मेरा व्यक्तिगत फैसला होता है। जी आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी हैं, ये क्या कर रहा है, इसकी चर्चा जरूरी है क्योंकि आप भी नहीं है। तो रैली को आप, ये एक रणनीतिक बात भी होती है, आप देखिए बीते दिनों
राहुल गांधी के इर्द गिर्द राष्ट्रीय मुद्दा खड़ा किया गया, नफरत का मुद्दा खड़ा किया गया, रिजर्वेशन का मुद्दा खड़ा किया गया, सिख का मुद्दा खड़ा किया गया, हिंदू मुस्लिम जैसी बातें भी हुई, देश विदेश की बातें भी हुई। तो इसके तुरंत बाद उसकी काट राहुल गांधी ने स्वयं एकदम अलग राजनीति करके जनता के बीच जाके वो हरियाणा में उन्होंने की है। अभी देखिए कल का जो कार्यक्रम है, पुंछ में वो जा रहे हैं और भी एक जगह जा रहे हैं, दो कार्यक्रम उनका जम्मू कश्मीर में है जहां वो सभा करेंगे, और वहां पर तुरंत अभी 25 तारीख को चुनाव होना है, 23 तारीख को आपको खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार, तो प्रायोरिटी में वो आता है। लेकिन जैसे इस बीच में जाहिर बात है कि शेड्यूलिंग होगी, हम ये मान के क्यों चल रहे हैं कि राहुल गांधी का वहां की कोई सभा नहीं होने वाली है। अब तक आप देखें स्थानीय जो मुद्दा है उन वो मुद्दे राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही हैं। राहुल गांधी ने महिलाओं का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, या वो सेना में नौकरी का मुद्दा उठाया नौजवानों के लिए, तो वो सारे मुद्दों के साथ राहुल गांधी की मौजूदगी है। लेकिन हमारी वो वे ऑफ जो इलेक्शन कैंपेन होता है उसमें जरूर थोड़ा फर्क नजर आ रहा है, लेकिन हमें लगता है कि शिकायत रहने वाली नहीं है जो बात है। उसके बाद जैसे कुमारी शैलजा का प्रश्न उठ रहा है या दूसरे रणदीप सुरजेवाला जी का प्रश्न उठ रहा है, ये बात सही है कि ये अगर आप मुख्यमंत्री की लड़ाई चुनाव जीतने से पहले तय कर लेना चाहते हैं तो फिर इनको उनकी गति में रहने दिया जाना चाहिए, और जनता जो है सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है और उसमें अगर कोई रूठ रहा है तो वो अपना नुकसान कर रहा है, वो पार्टी का मतलब एक तरह से पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा है, उनका अपना नुकसान हो रहा है, हमारा ये मानना है। लेकिन अगर यूनिफाइड तरीके से वो और भी दिखती तो बेहतर बात होती, सभाओं में दिखती तो बेहतर बात होती, या रणदीप सुरजेवाला भी दिखते तो और बेहतर बात होती। तो ये एक पहलू है, हर चुनाव में कुछ खूबी कुछ खामी कुछ कमियां रहती हैं, उनमें से ये एक दो हैं, लेकिन वहां का जो माहौल है वो माहौल बिल्कुल कांग्रेस साध चुकी है और राहुल गांधी की लीडरशिप के इर्द गिर्द ही साधी गई है। इसीलिए हमें ये लगता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि घाटी में अगर बीजेपी नहीं भी है तब भी बीजेपी है, क्योंकि वहां की पूरी सियासत एंटी बीजेपी है, बीजेपी की मौजूदगी है। उसी तरीके से हरियाणा में राहुल गांधी अगर नहीं भी है तब भी राहुल गांधी मौजूद है, क्योंकि पूरी राजनीति हरियाणा की राहुल गांधी और कांग्रेस की को वापस लाने के लिए है, और इस वजह से हमें लगता है कि लोकल लीडर्स बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। जी बिल्कुल प्रेम कुमार जी, जरा राहुल लाल जी आपके पास भी आना चाहता हूँ आपसे।